चतुर्मुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अध्याय दो श्लोक 60। यततोऽपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। अर्थात हे कुंती पुत्र, इंद्रियां इतनी प्रबल और अशांत होती हैं कि वे विवेकशील और आत्मनियंत्रण का अभ्यास करने वाले मनुष्य के मन को भी अपने वश में कर लेती हैं। जैसा कि हम जानते हैं, श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को स्थिर प्रज्ञ मनुष्य के लक्षण बता रहे हैं। श्लोक नंबर 59 में उन्होंने बताया कि व्यक्ति इंद्रियों को विषय से तो दूर कर लेता है, परंतु विषयों के प्रति उसके मन में एक आसक्ति बनी रहती है। आत्मबोध होने पर यह विषय आसक्ति भी चली जाती है। इस श्लोक में वो एक व्यावहारिक पक्ष लेकर के बताते हैं, एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बता रहे हैं कि ये इंद्रियां इतनी प्रबल और अशांत होती हैं, इतनी विचलित करने वाली होती हैं, इनका स्वभाव ही विचलित करने वाला होता है कि विवेकशील और आत्मनियंत्रण का अभ्यास करने वाले मनुष्य को भी, उसके मन को भी ये अपने वश में कर लेती हैं, उसके मन को भी ये हरा लेती हैं। लगातार आत्मनियंत्रण का अभ्यास करने वाले विवेकशील मनुष्य के लिए भी इंद्रियों को कंट्रोल करना, इंद्रियों को वश में करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो जाता है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि उसे अभ्यास छोड़ देना है या हार मान लेनी है, उसे यह प्रयास सतत करना है। यहाँ कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि ऐसा होता है, ऐसा एक के साथ नहीं होता, सबके साथ होता है। एक विवेकशील मनुष्य जो आत्मनियंत्रण का लगातार अभ्यास कर रहा है, उसके साथ भी ऐसा होता है करके वो बता रहे हैं कि ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है कि लगातार आप आत्मनियंत्रण का अभ्यास करोगे, परंतु इंद्रियां आपके मन को वश में कर लेंगी, परंतु घबराना नहीं है, ये अभ्यास छोड़ना नहीं है। और शुरुआत में तो यह इंद्रियां ज्यादा विचलित होती हैं, ज्यादा विचलित करती हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम किसी भी रोगी को जब होम्योपैथी दवाई देते हैं तो शुरुआत में उसके लक्षण और उभर करके आ जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि दवाई छोड़नी है, इसका मतलब यह है कि दवाई काम कर रही है। ऐसे ही एक विवेकशील मनुष्य को लगातार अभ्यास करते रहना चाहिए, हारना नहीं है। The senses are so strong and turbulent, O son of Kunti, that they can forcibly carry away the mind even of a person endowed with discrimination who practices self-control. सियाणा भली जोग जाकन जतन मगर तिन खे इंद्रियूं वकोड़ियो वञन वञन ख्वाहिशूं मन संदन थियूं खणी थिए चित न तिन जो उदम कन भली। जीअं त पाण खे ख़बर आहे, अर्जुन द्वारा श्री कृष्ण भॻवान सां इहो पुछण ते त
स्थिर प्रज्ञ मनुष्य जा कहड़ा लक्षण थींदा आहिनि। श्री कृष्ण भगवान श्लोक नंबर 69 में चवे थो त हिक मनुष्य जेको विषयनि सां पंहिंजो पाण खे जुदा करे थो छॾे, पर तॾहिं बि विषयनि सां हुनजी आसक्ति हुनजो लाॻापो रहंदो ई आहे, हिकु मन सां हुनजो लाॻापो रहंदो ई आहे। पर जेको स्थिर प्रज्ञ मनुष्य आहे, जेको जंहिंखे आत्मबोध थी चुको आहे, उनजो इहो धीरे धीरे मन सां भोग करण जी विरति बि ख़तमु थी वेंदी आहे। हिन श्लोक में हिकु व्यवहारिक पहलू ॿुधाईंदे हुए श्री कृष्ण भॻवान चवनि था कि जेके विवेकशील मनुष्य आहिनि, जेके लाॻीतो इहो जतन था कनि त कीअं इंद्रियुनि ते कंट्रोल कजे, वस में आणजे, पर इंद्रियुनि जो सुभाउ ई अहिड़ो थींदो आहे त उहे विचलित करे छॾींदियूं आहिनि, उहे एतिरियूं प्रबल थींदियूं आहिनि, उहे एतिरियूं अशांत करण वारियूं थींदियूं आहिनि कि हिकु विवेकशील मनुष्य जेको लाॻीतो जतन पियो करे त मां इंद्रियुनि खे कंट्रोल कयां, पर उन जे मन खे बि हाराए वठंदियूं आहिनि। पर तॾहिं बि हार कोन आहे मञणी, लॻातार प्रयास करिणो ई आहे। जीअं हिकु डॉक्टर कंहिं रोगीअ खे होम्योपैथी दवा थो ॾिए त शुरूआत में उनजा ॿिया बि बीमारीअ जा लक्षण वधीक उभरी करे ईंदा आहिनि, पर इन जो मतिलबु इहो न आहे कि दवा छॾे छॾणी आहे। इहो इन जो इहो मतिलबु आहे कि दवा कमु करे पई। तीअं ई शुरूआत में थोरी ॾुखियाई थींदी आहे, थोरो मन वधीक विचलित थींदो आहे, पर इहो अभ्यास छॾिणो न आहे। गीता हिकु व्यवहारिक पहलू थी ॿुधाए, व्यवहारिक संदेश थी ॾिए। इन रीति अध्याय 2 जे श्लोक 60 जो अर्थ पूर्ण थियो। सुभाणे ॾिसंदासीं श्लोक 61। तेसीं ताईं जय श्री कृष्ण।